एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जाने वाले हैं शिव मंदिर और इस्कॉन मंदिर। तो हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे कि शिव मंदिर जाए, पर सावन का महीना भी खत्म हो चुका था फ्रेंड्स, तो हम लोग गए नहीं थे। तो फाइनली आज हम लोग निकले जाने के लिए। ये चंदना मैम है, हम लोग एक साथ स्कूल में पढ़ाते थे, तो फाइनली आज हम लोग जाने वाले हैं। तो जाते वक्त फ्रेंड्स, रास्ते में इतना बहुत सारा जाम था क्योंकि इसका पहले दिन ही बारिश दिया था, जो कि अभी तक पानी सूखा नहीं था फ्रेंड्स। 6 साल में आजकल बहुत ही पानी होता है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो कचरा है सब नाला में फेंक देते हैं, जो कि जाम हो जाता है नाला, तो पूरा पानी हो जाता है फ्रेंड्स। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे शिव मंदिर। तो हम लोग फुल धूप खरीद ले, घर से लेके नहीं गए थे, तो वहाँ से हमें ख़रीदना था। तो वहाँ से हम लोग, जो दुकान था वहाँ पर हम लोग फूल धूप थूना जो भी हम लोग वहाँ से ख़रीदे फ्रेंड्स। तो सामग्री भी आपके हिसाब से खरीद सकते हो। तो देखिए, हमने ख़रीदा तो हमारा तो फ्रेंड्स 70 रुपीज़ हुआ था। फिर हमने यहाँ से धूप लिया फ्रेंड्स, दूध ख़रीदा शिव बाबा को चढ़ाने के लिए, हमने दूध वहाँ से लिया। और फिर हम लोग पैर हाथ धोए वहाँ से, पैर हाथ धोने के बाद हम लोग अंदर गए मंदिर में पूजा करने के लिए। कि बाहरी दिया जलाना पड़ता है फ्रेंड्स, अपने मंदिर के बाहरी दिया जलाया। और चलिए मंदिर के दर्शन करा देते हैं आप लोग। बस सुबह लेना पड़ेगा ना, सुबह पूर्णिमा तिथि लगने से शाम को। कितना मतलब आप शाम कितना तो फ्रेंड्स, हमने फाइनली अच्छे से पूजा किया। पूजा करने के बाद हमने दुकान जो था, दुकान को हमने थाली लौटा दिया फ्रेंड्स। तो हमने सोचा अभी हम लोग इस्कॉन मंदिर जाएंगे। इस्कॉन एक नाम है फ्रेंड्स, जो कि कृष्ण के नाम है, और 150 मंदिर है, टेंपल है इस्कॉन टेंपल, जो कि आपको इंडिया भारत में मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो इस्कॉन जो मंदिर है, इसका इस्कॉन का मीनिंग होता है फ्रेंड्स, इंडियन सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस। तो हम लोगों ने फ्रेंड्स कैब बुक किया, कैब बुक करके हम लोग जा रहे थे। तो रास्ते में जब जाम था फ्रेंड्स, वहाँ पे देखिए हम लोग का मानसा जो माँ है, मनसा माँ का हम लोग का दर्शन हो गया था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इसके पहले दिन ही मनसा पूजा था। तो फाइनली हम लोग फ्रेंड्स अभी इस्कॉन मंदिर पहुँच चुके हैं। तो देखिए इतना पहाड़ का जो दृश्य है, बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। तो वो पहाड़ में है, इतना पहाड़ भी नहीं है, पहाड़ के थोड़ा ऊपर फ्रेंड्स। तो अभी फ्रेंड्स हम लोग सीढ़ी से ऊपर उठने लगे, देखिए। और जो अभी आपका कृष्ण जन्माष्टमी भी है मंडे, तो इसलिए वहाँ पर सजाया गया है, पास लगाया जा रहा है फ्रेंड्स। यही चंदना मैम और मैं, हम दोनों एक साथ गए। तो वहाँ से हमने फ्रेंड्स दिया धूप जो भी था जलाने के लिए, हमने वहाँ से ख़रीद लिया। देखिए यहाँ पर हम लोग को ये जो दिया होता है वहाँ पर चलाने के लिए, हमने दीप और दिया चंदा मैम हमें दोनों ने लिया। लेने के बाद हम लोग वहाँ पर जो दिया धूप है फ्रेंड्स, वहाँ पर हमने जलाया। तो फ्रेंड्स हमें भी अंदर की ओर गए। जो मूर्ति है ये है आपका एसी भक्त वेदांत प्रभु भट्ट। तो ये मंदिर अंदर बनाया हुआ है फ्रेंड्स, सबको बताएं। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो आश्रम है, यह हम लोग मंदिर पहुंच चुके थे। यहाँ पे जो भी जो पंडित लोग यहाँ पे आश्रम में यहाँ पे रहते हैं, इन लोग यहाँ पे बना बना के खाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग को कृष्ण भगवान और राधा माता का दर्शन हो गया, चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। Thank you.
तो फ्रेंड्स मंदिर में ये देखिए छोटा सा दुकान है अंदर, वहाँ से आप खरीद सकते हो। ओके किताब है कृष्ण का, या फिर गीता सब वहाँ पे मिलता है फ्रेंड्स। और जो उस दिन फ्रेंड्स क्या था, आर्ट कंपटीशन था कृष्ण भगवान का, जो मूर्ति बनाने के लिए था, छोटे छोटे बच्चे ने भाग लिया था वहाँ पे। तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, वो छोटे बच्चे टीका लगा दे रहे देखिए कृष्ण का। फ्रेंड्स फ्रेंड्स फाइनली हम लोग वहाँ से निकल के देखिए, वो कूपन दिया गया था वहाँ प्रसाद खाने के लिए। तो हमने वहाँ पर प्रसाद खाने के लिए फ्रेंड्स हमने कूपन ले लिया। चंद्रा मैम और हम लोग गए जो मंदिर के नीचे ही है, देखिए यहाँ पे हम लोग प्रसाद खिलाने वाले थे, उन्हें प्रसाद खा रहे थे। तो फ्रेंड्स अंदर में दुकान है, देखिए यहाँ पे मिठाई बिस्कुट बुंदिया भुजिया सब कुछ मिलता है फ्रेंड्स। तो वहाँ से हमने प्रसादी खरीदने के लिए गए, तो फ्रेंड्स वहाँ पे पकौड़ी भी बनाया हुआ था। तो फिर देखिए तो एक वहाँ पे औरत ने खरीदने के लिए आया था पकौड़ी, की भगवान को चढ़ा सकते हैं क्या बोला। तो वहाँ बोला गया कि जो वहाँ पर प्रसादी बेचते हैं फ्रेंड्स ऑलरेडी भगवान को चढ़ाया हुआ होता है, तो वहाँ से आप खरीद के भगवान को चढ़ावा नहीं दे सकते हैं। जो भी वहाँ पर जो मिलता है प्रसाद एक्चुअली भगवान को दिया हुआ होता है, तो वहाँ से के आप घर पे ला सकते हैं फ्रेंड्स। तो चंद्रा मैम और मैंने वहाँ पे बिस्कुट खरीदा और क्या बोलते हैं फ्रेंड्स पकौड़ी लिया हम दोनों खाने के लिए वहाँ से। और हम लोग वहाँ देखे चंद्रा मैम ने भी ले लिया अपने लिए और मैंने भी अपने लिए ले लिया। आपका जो बिस्कुट होता है वो 80 रुपीज़ होता है, तो हमने दो लिया और पकौड़े एक का 10 रुपये, तो हम दोनों ने लिया वहाँ से लेके। हम लोग अभी फाइनली मंदिर से निकल रहे हैं, तो नीचे आते वक्त फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमको दे रहा था शरबत, तो हमने शरबत पिया। और जो कि जन्माष्टमी था मंडे, तो वहाँ पे चंदा तुल रहे थे, फिर हमने चंदा भी दिया वहाँ पे। और ये देखिए नेपाली लड़का है, तो हम लोग फाइनली वहाँ से निकल गए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने अच्छा से पूजा कर लिया, प्रसादी भी ले लिया फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगा पूजा करके। तो अभी फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लव यू फ्रेंड्स, बाय।